वेलकम क्लास, कैसे हो आप सभी लोग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने कक्षा 6 के अध्याय 1 की। और अध्याय 1 क्या है अपना? अध्याय 1 है अपनी संख्याओं की जानकारी। जो संख्याओं की जानकारी थी वो हमने ली थी कि तुलना की थी। उसके बाद स्थानीय मान देखे थे, प्रसारित रूप देखे थे, संख्या पद्धति देखी थी, और उस संख्या पद्धति को आसान कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अल्प विरामों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विरामों का। जो आपके संख्या पद्धति है दो प्रकार की, एक तो है भारतीय संख्या पद्धति और दूसरी है अंतरराष्ट्रीय। तो भारतीय संख्या पद्धति और दूसरी क्या है अपने अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। इसमें क्या होता है? इसमें अपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार तक तो सेम काम चलता है। कहां तक? के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, यहां तक सेम चलता है। और इसमें भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, दोनों सेम हो गए। उसके बाद क्या होता है? इसमें आता है लाख। इसमें क्या आता है? लाख आता है आपके। और इसमें लाख की जगह क्या आता है? सो हजार। वो कैसे आता है? आप जब उदाहरण देखोगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण बताए भी थे मैंने, और भी सवाल है उनको जब करेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद लाख के बाद इसमें क्या आता है? दस लाख। और इधर दस लाख का क्या बनाता है? दस लाख की जगह कौन आता है आपका? मिलियन। कौन आता है आपके? जो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सब जगह जो आपको मिलियन लिखा हुआ मिलता है, उस मिलियन का मतलब होता है दस लाख। उसके बाद देखो कि दस लाख के बाद इसमें आते हैं अपने भारतीय में करोड़। क्या आते हैं? करोड़। और इसमें क्या आता है? दस मिलियन। क्या आता है? दस मिलियन। इधर करोड़ के बाद आता है दस करोड़। और इधर क्या आता है आपके? दस मिलियन के बाद आता है सो मिलियन। सुना है ना, सो मिलियन व्यू आए हैं किसी के, ट्रेंडिंग पे वीडियो चल रहा है। तो वो सारा खेल ऐसे होता है। और इसमें दस करोड़ के बाद आता है एक अरब। और इधर एक अरब का मतलब होता है एक बिलियन। क्या होता है? एक बिलियन। तो ये कहानी है अपने मिलियन, बिलियन, और आगे ट्रिलियन भी आता है जब आपके क्या हो जाते हैं? सो बिलियन पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद आता है एक ट्रिलियन। तो ये तो अपने क्या है? स्थान है कि इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, हजार का स्थान, दस हजार का स्थान, ये अंकों के स्थान है। तो इनके आधार पे क्या होते हैं? अपने कोमा प्रयोग में होते हैं कि बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई। कितने अंक है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस। दस अंक लिख देता हूं मैं यहां पे, एक, नौ, चार, छह, आठ, सात, एक, तीन, दो, एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, ठीक है। इधर भी इतनी बड़ी संख्या लिख देता हूं, सेम लिख देता हूं, आठ, छह, चार, नौ। अब कोमा का प्रयोग आपके, जब आप बिल कटवा के आते हो, बड़ी राशियों का बिल कटा हुआ देखते हो, संख्याएं देखते हो अपने किताब में, तो बीच बीच में क्या होता है? कोमा लगा हुआ होता है कि जो आपके भारतीय संख्या पद्धति है उसमें क्या होता है? एक पहला जो कोमा आता है वो तीन अंकों के बाद आता है। पहला कोमा कहां आता है? तीन अंकों के बाद। के बाद। और आपके जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है उसमें भी पहला कोमा आता है तीन अंकों के बाद। अंकों के बाद, ठीक है। और उसके बाद देखो
क्या उसके बाद अपने भारतीय जो अंक है वो क्या करते हैं, दो दो के हिसाब से बढ़ते हैं ना यहाँ पे आगे, कि दो का जोड़ा क्या बनाता है हजार, तो दो के बाद कौमा आएगा, किसके बाद, दो के बाद क्या आता है कौमा, कि पहला कौमा आता है आपके तीन अंकों के बाद और दूसरा कौमा आता है फिर अगले दो अंकों के बाद, के दूसरा कौमा कहाँ आता है कि इधर से गिनू तो पीछे से पांच अंकों के बाद, अंकों के बाद। इसमें क्या होता है, इसमें आपके देखो कि जो हजार है वो कितने बार लिखा हुआ है, एक दो तीन, हजार एक तो हजार के लिए उपयोग में आया, एक दस हजार के लिए उपयोग में आया, एक सौ हजार के लिए उपयोग में आया, तो ये अपने जो कौमा चलाते हैं वो कैसे चलाते हैं, तीन अंकों के बाद अपना कौमा लिखते हैं। तो दूसरा कौमा कब आता है कि तीन ये और तीन ये, तो छह अंकों के बाद आपका क्या आता है, ठीक है, और इसमें जो कौमा आता है फिर दो दो के गैप से क्या आते हैं, कौमा लगने स्टार्ट होते हैं, कि ये कौमा कब आया आपके, ये कौमा आता है तीन दो पांच दो सात अंकों के बाद, सात अंकों के बाद, और इसमें कितने अंकों के बाद आता है कौमा, नौ अंकों के बाद कौमा आता है, नौ अंकों के बाद। अब इन कौमा का महत्व क्या है वो ध्यान से देखना, कि संख्या को पढ़ने के लिए आसानी कैसे होती है, कि जो पहला कौमा आता है आपका, कि ये जो पहला कौमा है वो हजार के लिए, कि यहां पे जो भी संख्या होगी उसके आगे मैं क्या पढ़ूंगा, हजार पढ़ूंगा, और इसमें भी ये पहला कौमा आता है हजार के लिए, इसके लिए आता है हजार के लिए, दूसरा कौमा आता है इसमें लाख के लिए, दूसरे कौमा के आगे लाख की संख्या शुरू हो जाती है, किसकी संख्या शुरू होती है, लाख की, मतलब इसको पढ़ेंगे तो 31 लाख पढ़ेंगे इसको, और तीसरा कौमा लाख के बाद क्या है, करोड़, और इधर क्या है कि हजार के बाद सीधा ही कौन आता है, मिलियन, तो दूसरे कौमा के बाद आपके क्या होगा, मिलियन होगा, क्या होगा, मिलियन, और ये जो तीसरा कॉमा है उसके आगे क्या हो जाएगा, बिलियन, तो अब इसको पढ़ते कैसे आसानी से, यदि ये कॉमा नहीं होता आपके, तो क्या नहीं होता, कि ये कॉमा नहीं होता सिर्फ, तो इसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता, पहले देखना पड़ता ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, दस हजार है, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, फिर आप क्या करते, वापस क्या करते, इस दस करोड़ से स्टार्ट करते, कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, करोड़, दस करोड़, वापस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, तो ये तो हो जाता आपके 12 करोड़, फिर 31 लाख, फिर 78,000, और उसके बाद क्या लिखते, 649। इधर कैसे काम करते हैं कि इधर भी आप क्या करते हैं, गिनते पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, सौ हजार, मिलियन, दस मिलियन, सौ मिलियन, उसके बाद बिलियन, तो ऐसे अपने को क्या करना पड़ता है, हर बार गिन के देखना पड़ता है। अब आपको आसानी से इन मानों को बिना गिने कैसे आप क्या करूं लिख सकूं वो मैं आपको सिखाता हूं, कि बिना गिने अभी मैं देखना ये मान लिख दूंगा, कि पीछे से 9, 4, 6, 8, 7, 1, 3, 2, 1, 1, कि आपको तो कुछ नहीं करना है, कोमा लगा देना है, पहले ये कोमा लगाया यहां पे कोमा, फिर यहां पे, यहां पे, यहां पे, भारतीय पद्धति में कैसा कोमा लगते हैं आपके, कोमा लगते हैं तीन के बाद, उसके बाद दो 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 के गैप से क्या लगते हैं कोमा, के इधर से पढ़ना स्टार्ट करो, कोमा कितने हैं, हजार, लाख,
करोड़, और ये किसका हो गया फिर आपके के हजार लाख, और ये करोड़, और ये अरब, अरब का कौमा, चौथा कौमा किसका है अरब का, तो यहां से पढ़ना स्टार्ट करो, एक अरब, एक अरब, उसके बाद क्या है बारह, बारह करोड़, उसके बाद पढ़ो बारह करोड़ के बाद इकतीस लाख, उसके बाद क्या है अठहत्तर हजार, उसके बाद क्या है छह सौ गुण पचास। तो ये कॉमा लगाने से बहुत ज्यादा आपके क्या हो गई आसानी हो गई, के काम क्या आसान हुआ वो बताता हूं, पीछे से बार बार गिनने की जरूरत क्या हो गई खत्म हो गई। एक ही कॉमा लगा हुआ है तो हजार के है मान है, एक कॉमा कब लगेगा, दूसरा कॉमा कब आएगा जब छह अंकों की संख्या हो आपके, एक दो तीन चार पांच छह, छह अंक हो तो दूसरा कॉमा आएगा। आगे कैसे पता चला कि सात आठ अंक हो तो क्या आएगा तीसरा कॉमा आएगा। ऐसे आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये काम आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। कितनी भी बड़ी संख्या लिख दे आपको क्या करना है कॉमा लगाना है और उनके मान देख लेना। कैसे करोगे वो हम इसमें भी देखते हैं। तो इन कॉमा का उपयोग कैसे करना है वो देखते हैं कि पहला कॉमा हजार के लिए, उसके बाद मिलियन, और उसके बाद क्या है बिलियन। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, पढ़ना बहुत ही आसान हो गया, पढ़ना आसान कैसे हो गया ये देखो कि ये आ गया बिलियन, मतलब हो गया एक बिलियन, बी से बिलियन लिखते हैं। उसके बाद आगे क्या है एक सौ तेबीस, आगे क्या है एक सौ तेबीस मिलियन, उसके बाद क्या है एक सौ अठहत्तर हजार, आगे क्या लिखेंगे एक सौ अठहत्तर हजार, हजार को के से लिखा जाता है। जब हम अपने संख्याएं लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे पूरा लिखेंगे, एक बिलियन की जगह क्या लिखेंगे बिलियन ही लिखेंगे, बिलियन ही लिखेंगे। और मिलियन की जगह जब भी आपके संख्या शब्दों के रूप में लिखना हो तो मिलियन पूरा लिखना है आपको, के नहीं लिखना है आपको, हजार लिखना है, अंग्रेज नहीं हो आप लोग, ठीक है। और आगे क्या है छह सौ उनपचास, आगे क्या लिख दो छह सौ उनपचास। तो ऐसे अपने संख्याएं बहुत ही आसानी से बन जाती है। अब मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, बड़ा सा उदाहरण देता हूं, है ना, और अच्छे से चीजें क्लियर हो, के तीन चार छ आठ दस बारह, ठीक है। अब इसको पहले तो भारतीय संख्या पद्धति में बनाओ, कॉमा लगा दो, ये कॉमा लगा दिए तो इधर से पढ़ना प्रारंभ करो, हजार लाख करोड़ के तीन करोड़ छियालीस लाख इक्यासी हजार, और क्या हो गया बारह, हो गया आसान, बिल्कुल आसान था, गिना ही नहीं ना पीछे से इकाई दई सैकड़ा हजार। इसी उदाहरण को देखते हैं हम अंतरराष्ट्रीय में, अंतरराष्ट्रीय में देखो तीन चार छ आठ दस बारह, ठीक है, तीन तीन को छोड़ के कॉमा लगाओ, दो ही कॉमा मिले, पहला हजार का दूसरा मिलियन का, तो लिखो चौतीस मिलियन अड़सठ हजार, अड़सठ नहीं है, चौतीस मिलियन छह सौ इक्यासी, छह सौ इक्यासी हजार बारह, क्या मिलेगा अपने को बारह। तो ये आपके मैंने क्या पढ़ लिया संख्या शब्दों के रूप में आसानी से पढ़ के देख ली, कि पढ़ना बहुत ही हो गया आपने आसान। तो ये आपके क्या है अल्प विराम का खेल है, कि जिसको अल्प विराम का खेल समझ में आया कितनी भी बड़ी संख्या लिखो आसानी से वो क्या करेगा गिन के बता देगा कि इतना इतना लिखा हुआ है। कोमा लगे हुए मिलते हैं, जब भी आपके संख्याएं मिलेगी मान लिखे हुए मिलेंगे कोमा लगा हुआ जरूर मिलेगा, तो ये काम आपके क्या हो जाता है आसान हो जाता है। और जहां नहीं लगे हुए मिले आप आतो आत कोमा लगाओ और उसको पढ़ के देख लो, इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार ऐसे चलने की जरूरत खत्म हो गई। आगे देखो, आगे देखेंगे हम प्रश्नावली एक पॉइंट एक, प्रश्नावली की बात कर लेते हैं, जो सीखना था सीख लिया हमने,
आगे कुछ और सीखना होगा तो उस प्रश्नावली से पहले ही सीखेंगे, ज्यादा पहले नहीं सीखेंगे कुछ भी, कि जो भी अभी तक हमने सीखा था उसके ऊपर आधारित अब सवाल आने वाले हैं। कि प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल क्या है आप लोग देखो, कि पहला सवाल है रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरना कैसे है कि 1 लाख बराबर कितने 10,000 आएंगे ये बताना है, उसके बाद 1 मिलियन बराबर कितने 100 मिलियन है, 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख है, उसके बाद 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन है, उसके बाद 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं ये बताना। तो पहले आप क्या करो इसको पकड़ लो, पहले आप क्या करो इसको पकड़ लो, 1 लाख लिखो कि 1 लाख, आया खेल समझ में, 1 उसके बाद लाख के लिए कोमा, फिर 1,000 के लिए कोमा, और उसके बाद पीछे इकाई दाई सैकड़ा। अब इसमें कितने 10,000 होते हैं, के 1, 2, 3 और ये आया 10,000, 10,000 लिख दिया। अब इस 10,000 को किससे गुणा करूं, इस 10,000 को किससे गुणा करूं कि आपके क्या आ जाए लाख बन जाए। 0 कितने हैं यहां पे, 1, 2, 3, 4, 5, यहां पे भी 5 जीरो आने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 4 जीरो तो 10,000 के पास ही है, और 1 जीरो और लगाऊंगा 10 से गुणा करूंगा क्या बन जाएगा अपने 1 लाख बन जाएगा। तो यहां से बात क्या समझ में आई कि 1 लाख में 10 10,000 होते हैं, बस ये बताना था आपको। आगे चलो आप लोग, 1 मिलियन की बात की है, किसकी बात की है 1 मिलियन, पहले 1 मिलियन लिख लो संख्या में कितना होता है 1, उसके बाद मिलियन के लिए 3 जीरो फिर 3, और क्या बताना है खाली जगह बतानी है आपको, खाली जगह किसकी 100,000 के, 100,000 का मतलब 100 और ये 1,000 हो गया ना 100,000 के। अब आपके कितने जीरो कम है उतना क्या कर दो गुणा कर दो, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, मतलब 1 जीरो की कमी है, यहाँ पे भी क्या करो 10 लगाओ और ये आपके क्या आ गया उत्तर आ गया। के सेम प्रोसेस करोगे करोड़ के लिए, किसके लिए काम करोगे अब करोड़ के लिए काम करो कि 1 करोड़, पहले तो 1 करोड़ लिखो यहाँ पे के 1, उसके बाद लाख, उसके बाद 1,000, उसके बाद सैकड़ा, ये हो गया आपके 1 करोड़ लिख दिया मैंने, गिन के देख लो किसी को दिक्कत है तो, इकाई दाई सैकड़ा 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये 1 करोड़ हो गया 1 करोड़। किसके बराबर करना है आपको, खाली जगह गुणा ये क्या लिखा हुआ है 10 लाख, 10 लाख लिखो, ये लाख 1,000, ये हो गया आपके 10 लाख। के 10 लाख को करोड़ बनाना है तो 10 से गुणा कर दो आपके क्या बन जाएगा 10 लाख बन जाएगा और ये क्या है 1 करोड़ के बराबर है। अब फिर 1 करोड़ को मिलियन में बताना है, 1 करोड़ को किस में बताना है आपके मिलियन में बताना है, तो मिलियन करो 1 मिलियन 0, 0, 0 और ये 0, 0। अब किससे गुणा करूं कि करोड़ के बराबर आ जाइए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7 के 1 जीरो एक्स्ट्रा है, मतलब क्या करना पड़ेगा 10 से गुणा करवाना पड़ेगा, तो ये हो गया आपके 10। आंसर क्या आएगा 10 मिलियन होते हैं, 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं 10 मिलियन होते हैं, ये काम की बात है। उसके बाद 1 मिलियन देखो क्या देखना है, 1 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, कितने होते हैं 10 लाख होते हैं, ये डायरेक्ट गणना है, बता देता हूं कैसे होते हैं कि 1 मिलियन बराबर लाख 1, 2, 3, 4, 5 कॉमा लगा के देख लो, लाख हो गया, कितने जीरो की कमी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 के 10 की कमी है, ये हो गया आपके 10। आई बात समझ में, तो ये सारा खेल चलता है अपने मिलियन बिलियन, ये आपस में संख्याओं का कन्वर्जन है, एक दूसरे में परिवर्तन है, तो ये बहुत ही आसान काम है आपके। और आगे चलो, आगे है आपके सही स्थानों पर अल्प विराम लगाकर संख्यांकों को लिखिए। संख्या पद्धति में लिखना है, मतलब नंबर में लिखना है, कि पहला क्या है 73, पहला क्या लिखा हुआ है 73 लिखो, 7, 3, उसके बाद लाख, लाख के लिए कॉमा लगा दो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 75 लिखा हुआ है 75 लिख दो,
उसके बाद हजार लिखा हुआ है तो हजार के लिए कोमा और 307, ये लो 307 लिख दिया, ये पहले का उत्तर आ गया आपके, बहुत ही आसान काम है ये तो। उसके बाद 9 करोड़ के 9 और ये करोड़ का कोमा के 5 लाख, 5 लाख लिखोगे तो 05। उसके बाद 41 बीच में कुछ नहीं लिखा के हजार के मान ही नहीं है, 00 कर दो के 41 है, 0 1 0 41 के सैकड़ा का स्थान तो दूंगा ना, तो ये आपके ऐसे काम करोगे कॉमा लगाने के साथ ये काम करना है। उसके बाद देखो 7 करोड़ क्या लिखा हुआ है, 7 करोड़ 92 92। उसके बाद लाख, लाख का कॉमा। उसके बाद 21, ये लो 21, हजार का कॉमा, फिर 302 यहाँ पे कर दो, 302 ये लो, ये मान भी निकल के आ गया। तो ये काम बहुत ही आसान है, कॉमा जिसको उपयोग में करने आए वो क्या कर सकता है, संख्याएं आसानी से बना सकता है। आगे देखो 98 98 लिखो पहले, 98 के बाद ये लिखता है मिलियन, तो मिलियन का कॉमा लगाओ। उसके बाद 423 लिखो, 423 के बाद हजार लिखा तो ये कर दो कॉमा। उसके बाद 202 ये लो 202, तो ये काम बहुत ही आसान है आपके। उसके बाद 23,30,010 23 लाख ये लो 23 और ये लाख का कॉमा, 23,30,000 ये लो 30,000 और उसके बाद क्या है 10 10। आने कितने अंक चाहिए, पीछे 3 अंक आने चाहिए, जहां पे खाली दिखे वहां 0 चिपका दो। हो गया आपके सवाल नंबर 2। आगे चलो सवाल नंबर 3 के उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अपने को क्या करना है, अपने को काम करना है अपना पहले कोमा लगाना है। पहला काम क्या है अपना, कोमा लगाना, कोमा लगा दो के ए है अपना 8 9 5 7 6 2। अब अपने को क्या करना है, अपना कोमा लगाना है। पहले सबसे पहला काम क्या है आपका, कोमा लगाना, कोमा लगाओ यहां पे के कोमा भारतीय संख्या के हिसाब से लगाना है, तो पीछे से 3 2 और 2 ठीक है। उसके बाद क्या पकड़ो के हजार लाख करोड़, तो क्या लिखोगे 8 करोड़, 8 करोड़ के बाद क्या लिखोगे 75, 8 करोड़ के बाद क्या लिखोगे 75 और ये 75 के बाद क्या है लाख का कॉमा है, यहां पे क्या लिख दो लाख लिख दो और 75 लाख के बाद क्या है 95 75 लाख के बाद क्या है 95 है आपका 95 च च आधा भी आएगा, सही लिखना है इसको 95 95 हजार। उसके बाद 762 क्या लिखोगे 762 ये लो आपके 762 हो गया। पूरा लिख के आना है एकदम अच्छे से ढंग से, वैसे इन मिस्टेक के इतने नंबर नहीं करते हैं। क्या हुआ, के अपने इतने नंबर नहीं करते इन मिस्टेक के, कि यदि आप यहां पे 95 लिख देते हो, क्या आपने क्या लिखा 95, तो ये मतलब थोड़ा लिखने में क्या है गलत है, के लिखने में थोड़ा गलत है पर आपके गलत माना नहीं जाएगा कि उसको समझ में आ रहा है कि 95 है, पर आप क्या करो इसकी शुद्धि का थोड़ा ध्यान रखो, 95 95 बोलने में क्या है, हर एक क्षेत्र में क्या है अलग अलग भाषा के हिसाब से इसको क्या किया जाता है, बोला जाता है। कुछ लोग 95 भी लिखते हैं,
के अलग अलग किताबें देखोगे तो हो सकता है अलग अलग लिखा हुआ भी मिल जाए, तो ये बात चलती है आपकी। तो एक बार क्या करो, जो संख्याएं आपने पीछे पढ़ी थी, जो एक से लेके 100 तक की संख्याएं आपने देखी थी, उनको एक बार ढंग से क्या करो, पढ़ के देख लो और लिख के देख लो कि सही मात्रा, सही उनका शब्द प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो इससे आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू।